थाना दिल्ली गेट के SHO राय नज़ाकत ने अपनी टीम के हमराह मंशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मंशात फरोश मोहम्मद अहमद साजिद खान मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार करके 8 किलो हेरोइन बरामद कर ली। SSP ऑपरेशन हसाम बिन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली गेट पुलिस ने पिछले 24 घंटों में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के अंदर 3 बड़े डीलर्स को गिरफ्तार किया, जिनसे 8 किलो हीरोइन बरामद हुई। अहमद नामी मंशियात फरोश से 4 किलो हीरोइन बरामद हुई। मसवान चौक के अंदर होंडा सिटी कार को रोका गया तो उस तलाशी लेने पर बरामद हुई। साजिद खान उर्फ बिल्ला, जो कि नौशहरा का रहायशी है, ये पैदल आ रहा था। अहमदाबाद में इससे 2 किलो हीरोइन बरामद हुई। मोहम्मद इकबाल दिल्ली गेट चौक में मजदे के दरमियान चेकिंग करते हुए इससे भी 2 किलो हीरोइन बरामद हुई। ये मुल्तान के लिहाज से बहुत बड़ी रिकवरी है, और इससे, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया था कि अब हम मेन जो है बड़े सप्लायर उनके ऊपर खास तवज्जो दे रहे हैं, छोटों के खिलाफ तो काम कर ही रहे हैं, तो इससे इनका नेटवर्क मजीद कमजोर होने में मदद मिलेगी। इन तीनों को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इन तीनों का आपस में कोई ताल्लुकात है या नहीं है, उसका फोरेंसिक CDR और आपस में मोबाइल फोन से चेक करेंगे, क्योंकि एक ही दिन पाए जाने से ये शुबा हो सकता है कि इन तीनों का आपस में ताल्लुक हो या नेटवर्क का हिस्सा हो, कोई सप्लायर हो, कोई मिड सप्लायर हो, कोई बायर हो, तो उसके ऊपर हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।